हेलो वीवर्स वेलकम टू माय चैनल हाय आई एम जितेंद मालवीय टुडे वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 5.1 ऑफ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुट टू वे लाइक फॉर अपकमिंग वीडियो थैंक यू क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/3 3i का क्यूब तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे हम तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है a b का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी ए प्लस बी ठीक है वो इसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है तो ये अपन को सॉल्यूशन के हिसाब से सही है आगे और भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन है ना तो यही अपन फार्मूला लाएँगे इसमें तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे तो वन बाई थ्री का स्क्वायर ए वन बाई थ्री का क्यूब प्लस थ्री आई का क्यूब प्लस थ्री ए बी वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री इंटू थ्री आई है ना थ्री ए बी फिर ब्रैकेट में हमारा क्या है ए प्लस बी तो वन बाय थ्री प्लस थ्री आई ये हो गया हमारा अब इसको सोलूशन शा, करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय ट्वेंटी सेवन प्लस ये हो जाएगा थ्री थ्री जहा ए, ए, ट्वेंटी सेवन का क्यूब थ्री का थ्री टाइम्स करेंगे तो ये ट्वेंटी सेवन और आई क्यूब हो जाएगा है ना फिर प्लस अब ये थ्री से आपका ये थ्री कट गया है ना तो ये अलग हो गया पार्ट अब बचा आपका थ्री आई तो थ्री आई का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इस स्टेज में लिख दो एक बार और थ्री बाई आई प्लस वन बाई थ्री इंटू थ्री आई ठीक है अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये वन बाई ट्वेंटी सेवन प्लस अब ये आई क्यूब है तो आई क्यूब क्या होता है माइनस आई होता है है ना आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन है ना और माइनस वन में आई का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई तो ये माइनस ट्वेंटी सेवन यहाँ पे माइनस लग जाएगा आपका यह प्लस भी लिख लो यहाँ माइनस ट्वेंटी सेवन आई ठीक है प्लस अब थ्री आई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री थ्री कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आई प्लस का आई और यहाँ थ्री आई और थ्री आई का स्क्वायर होगा तो थ्री थ्री सा नाइन और आई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब इसको कर लो तो वन माइनस ट्वेंटी सेवन आई प्लस आई प्लस अब प्लस क्या है ये नाइन आई स्क्वायर आई स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस वन तो ये माइनस का नाइन हो जाएगा ठीक है अब ये हो जाएगा वन बाई अब ये पोर्शन को इसके साथ ले लो तो वन बाई ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन और ये माइनस का ट्वेंटी सेवन आई है और ये प्लस का आई है तो यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का ट्वेंटी सिक्स आई ठीक है ना तो अब ये इसको ये पोर्शन का आप एलसीएम ले लेंगे अब ये वन बाय ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी सिक्स आई तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ये हो जाएगा वन अब ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन क्या हो जाएगा टू फोर थ्री है नौ सात तिरसठ छः नौ यूनी अठारह छः चौबीस टू फोर थ्री ठीक है ना माइनस ट्वेंटी सिक्स आई तो ये हो जाएगा माइनस टू फोर टू अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सिक्स आई दिस इज योर आंसर तो क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास माइनस टू माइनस वन बाई थ्री आई का होल क्यूब तो इसको हम ऐसे करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से और ब्रैकेट टू प्लस वन बाई थ्री आई पूरे का होल क्यूब अब ये देखो माइनस का क्यूब अगर हम करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा देन अब ये हो गया आपका टू प्लस वन बाई थ्री आई का होल क्यूब अब फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ माइनस रखेंगे ब्रैकेट तो टू का क्यूब प्लस वन बाई थ्री आई का आयोटा का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए क्या है हमारा टू बी क्या है वन बाई थ्री आई ए प्लस बी टू ए प्लस बी वन बाई थ्री आई और ये ब्रैकेट बंद ये बड़ा ब्रैकेट बंद अब माइनस वन टू का क्यूब क्या होगा एट प्लस ये हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन आई क्यूब ठीक है प्लस ये थ्री से ये थ्री कट जाएगा यहां बचेगा टू आई टू प्लस वन बाई थ्री आई और ब्रैकेट बंद ठीक है अब अब इसको देखो अब इसको हमको सॉल्व करेंगे पहले तो ये एट अब चलो इसको भी फिर से लिख देते हैं वन बाई ट्वेंटी सेवन आई का क्यूब यहाँ पे भी क्यूब है ये भी क्यूब है प्लस टू आई का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा फोर आई हो जाएगा है ना प्लस ये हो जाएगा टू बाई थ्री आई स्क्वायर टू बाई थ्री आई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है एट अब यहाँ पे क्या है ये आई क्यूब है तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये माइनस आई आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा है ना प्लस फोर आई अब ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो यहाँ माइनस टू बाई टू बाय थ्री ठीक है ना यहाँ माइनस यहाँ पे भी माइनस अब ये वाले पोर्शन को सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एट माइनस टू बाय थ्री और इधर क्या आ जाएगा प्लस फोर आई माइनस वन बाय ट्वेंटी सेवन आई ठीक है ना अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस टू ठीक है ना प्लस अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और फोर क्या हो जाएगा वन ज़ीरो एट आई ठीक है माइनस वन आई तो माइनस आई और ये पूरे का ब्रैकेट और यहाँ माइनस ठीक है अब ये वन जीरो ए ट्वेंटी फोर माइनस टू ट्वेंटी टू बाय थ्री प्लस ये हो जाएगा वन जीरो सेवन आई बाय ट्वेंटी सेवन ठीक है ना? तो ये, आंस, ये आंसर अब इसमें माइनस का माइनस का आप कर दो गुणा ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी टू बाई थ्री माइनस वन जीरो सेवन बाई ट्वेंटी सेवन आई और यही आपका आंसर है ठीक है क्वेश्चन नंबर ग्यारह से तेरह में हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जेड इनवर्स बराबर होता है कॉन्जुकेट ऑफ जेड बार अपॉन जेड का मॉड का स्क्वायर ये निकालना है तो हम कॉन्जुकेट कैसे निकालेंगे इसका कॉन्जुकेट क्या होगा जेड जेड कॉन्जुकेट क्या हो जाएगा फोर प्लस थ्री आई ये कॉन्जुकेट हो जाता है है ना इसमें क्या है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है और अब जेड स्क्वायर क्या होगा आपका मॉड जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मॉड ए क्या है आपका फोर फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो जेड स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका ट्वेंटी फाइव अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा eh, कांजुकेट क्या, In, eh, क्या है हमारा जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा कांजुकेट है हमारा फोर प्लस थ्री फाइव और मॉडल स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है ट्वेंटी फाइव बस तो ये हो गया जेड इनवर्स बराबर क्या आ गया आपका फोर बाई ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री बाय ट्वेंटी फाइव आई ये आंसर है आपका ठीक है क्वेश्चन नंबर बारह है हमारे पास रूट फाइव प्लस थ्री आई तो पहले कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका जेड बार क्या हो जाएगा हमारा रूट फाइव माइनस थ्री आई ठीक है और जेड मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर तो ये हो जाएगा फाइव रूट रूट फाइव का फाइव प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन इट इज इक्वल टू फोर्टीन ठीक है आप जेड इनवर्स क्या होगा आपका जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा कांजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका ए, रूट फाइव माइनस थ्री आई अपॉन फोर्टीन तो इसको सेपरेट कर देंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा रूट फाइव अपन फोर्टीन माइनस थ्री आई थ्री बाई फोर्टीन आई ये आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमको खाली माइनस आई दिया है तो इसका कांजू क्या हो जाएगा जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा आई ठीक है ना अब इसका मॉड जेड स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर हो जाएगा ये है ना वन का स्क्वायर होगा ये वन आएगा ठीक है अब जेड इनवर्स क्या हो जाएगा जेड कांजुगेट ऑफ जेड एंड जेड का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कांजुगेट क्या है इसका आई आएगा और इसका ये क्या आ जाएगा वन है ना तो ये इसका खाली आई आ जाएगा या इसको कैसे लिख सकते हैं जीरो प्लस आई ठीक है एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन का लास्ट क्वेश्चन है थ्री इसको हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिखाना थ्री प्लस रूट फाइव आई थ्री माइनस रूट फाइव आई अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू आई एंड माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू आई तो इसको कैसे करेंगे ये पहले तो ऊपर ही दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का रूट फाइव आई का होल स्क्वायर अपॉन अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये रूट थ्री प्लस रूट थ्रू टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन फिर माइनस ये रूट फाइव का स्क्वायर तो रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा फाइव और आई स्क्वायर हो जाएगा ये है ना अब आगे नीचे करते हैं तो ये रूट थ्री से ये रूट थ्री कट जाएगा अब रूट टू आई प्लस रूट टू आई तो दो रूट टू आई होगा है ना टू रूट टू आई ठीक है ये हो गया यहाँ तक अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस तो ये नाइन प्लस फाइव अपॉन ये क्या हो जाएगा टू रूट टू आई ओके अब ये हो गया अब यहाँ पे फोर्टीन अपॉन टू रूट टू आई अब ये इसको हम काट देंगे दो सत्ते चौदह तो ये हमारे पास बचा क्या सेवन अपॉन रूट टू आई ठीक है ये बचा अब ये नीचे रेशनल आयोटा इमेजनरी पार्ट है तो इसको नीचे नहीं रहना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसमें रूट टू आई का मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी कर देंगे और रूट टू आई का नीचे भी कर देंगे ठीक है तो ये रूट टू आई तो ये क्या हो जाएगा सेवन और सेवन रूट टू आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है और यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा रूट टू और टू टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर क्या होता है चलो आई स्क्वायर लिख दिया मैंने है ना फिर ये क्या हो जाएगा सेवन रूट टू आई अपॉन आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा तो इसको यहाँ आगे लिख देंगे तो ये हो गया माइनस सेवन रूट टू आई अपॉन टू तो ये इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के तो जीरो प्लस सेवन रूट टू अपॉन टू आई दिस इज़ योर आंसर तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल आई विल बी कंटिन्यू विथ नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय